अथ श्री गरुड़ पुराणे सप्तत्यधिक शततमोऽध्यायः धन्वन्तरि उवाच ज्वरोष्टधा पृथक् द्वंद्व संघाता गन्तुजः स्मृतः मुस्तपर्पटकोशीर चंदनोदीच्य नागरैः श्रितशीतं जलं दद्यात् पिपासा ज्वरशान्तये नागरं देवकाष्ठञ्च धान्याकं बृहति द्वयम् दद्यात् पाचनकं पूर्वं ज्वरिताय ज्वरापहम् आरग्वधाभयामुस्तात्तिक्ता ग्रन्थिकनिर्मितः कषायः पाचनः सामे सशूले च ज्वरे हितः मधुकसारसिन्धूत्थ बचोषणकणाः समाः श्लक्ष्णं पिष्टाम्भसा नस्यं कुर्यात् संज्ञा प्रबोधनम् त्रिबृद् विशाला त्रिफला कटुकारग्वधैः कृतः सक्षारो भेदनः क्वाथः पेयः सर्वज्वरापहः महौषधामृतामुस्त चन्दनोषीरधान्यकैः क्वाथस्तृतीयकं हन्ति शर्करा मधुयोजितः अपामार्गजटाकट्यां लोहितैः सप्ततन्तुभिः बद्ध्वा बारेरवेर्नूनं ज्वरं हन्ति तृतीयकम् गङ्गाया उत्तरे कूले अपुत्रस्तापसो मृतः तस्मै तिलोदकं दद्यान्मुञ्चत्यैकाहिको ज्वरः गुडूच्याः क्वाथकल्काभ्यां विफला वासकस्य च मृद्वीकाया बलायाश्च सिद्धाः स्नेहा ज्वरच्छिदः धात्री शिवकणा बह्निक्वाथ सर्वज्वरान्तकः ज्वरातिसारहरणमौषधं प्रवदाम्यथ पृष्णिपर्णीबला बिल्वा नागरोत्पलधान्यकैः पाठेन्द्रयवभूनिम्ब मुस्तपर्पटकैः श्रिताः जयन्त्याममतीसारं सज्वरं समहौषधाः नागरातिविषामुस्त भूनिम्बामृतवत्सगैः सर्वज्वरहरः क्वाथः सर्वातीसारनाशनः मुस्तपर्पटका दिव्या शृङ्गभेरश्रितं पयः शालपर्णी पृष्णिपर्णी बृहती कण्टकारिका बलाश्वदंष्ट्राबिल्वादि पाठानागरधान्यकम् एतदाहारसंयोगे हितं सर्वातिसारिणाम् बिल्वचूतास्थिक्वाथश्च खण्डं मध्वतिसारनुत् अतिसारे हिता तद्वत् कुटजत्वक्वणायुता वत्सकातिविषा विश्वकणाकन्दकषायकः प्रयुक्तश्चामशूलाढ्ये यतिसारे सशोणित चिकित्साथ ग्रहण्यास्तु ग्रहणी चाग्निनाशिनी चित्रकाक्वाथकल्काभ्यां ग्रहणीघ्नं श्रितं हविः गुल्मशोथोदरप्लीह शूलार्षोघ्नं प्रदीपनं सौवर्चलं सैन्धवञ्च बिडङ्गौद्भिदमेव च सामुद्रेण समं पञ्च लवणान्यत्र योजयेत् भेषजं शस्त्रक्षाराग्न्यस्त्रिधा वै चार्षशांहरम् विद्धि तच्चार्षशोघ्नं तु यद्धि तक्रं नवोद्धृतम् गुडूचीं पिप्पलीयुक्तामभयाम् घृतभर्जिताम् त्रिविदर्शोर्विनाशार्थं
भक्षयेदम्ललोणिकाम् तिलेक्षुरससंयोगश्चार्षः कुष्ठविनाशनः पञ्चकोलं समरिचं सत्र्योषणमथाग्निकृत् हरीतकी भक्ष्यमाणा नागरेण गुडेन वा सैन्धवोपहिता वापि सातत्येनाग्निदीपनी फलत्रिकामृतावासा तिक्ता भूनिम्बनिम्बजः क्वाथः क्षौद्रयुतो हन्यात् पाण्डुरोगं सकामलम् त्रिवृच्चा त्रिफला श्यामा पिप्पली शर्करा मधु मोदकः सन्निपातान्तो रक्तपित्तज्वरापहः भाषायां विद्यमानाय माषायां जीवितस्य च रक्तपित्तीक्षयीकासि किमर्थमवसीदति आटरूषकमृद्वीका पथ्या क्वाथः स शर्करः क्षौद्राढ्यः कासनिश्वास रक्तपित्तनिवर्हणः बासारसः खण्डमधुयुतः पीतोऽथ रक्तजित् सल्लकी बदरी जम्बु प्रियालाम्रार्जुनं धवः पीतं क्षीरं च मध्वाढ्यं पृथक्षोणितबारणं समूलफलपत्राया निर्गुण्ड्याः स्वरसैर्घृतम् सिद्धं पीत्वा क्षयक्षीणी निर्व्याधिर्भाति देववत् हरीतकीकणाशुण्ठी मरिचं गुडसंयुतं कासघ्नो मोदकः प्रोक्त स्तृष्णारोचकनाशनः कण्टकारिगुडूचीभ्यां पृथक् त्रिंशत्पले रसे प्रस्थं सिद्धं घृतं स्याच्च कासनुद्बह्निदीपनम् कृष्णाधात्रीशिता शुण्ठी हिक्काग्नी मधुसंयुता हिक्काश्वाशी पिबेद्भार्ङ्गी सविश्वामुष्णवारिणा तैलाक्तं स्वरभेदेव खादिरं धारयेन्मुखे पथ्यां पिप्पलिकायुक्तां संयुक्तां नागरेण वा बिडङ्गत्रिफलाचूर्णं छर्दिहृन् मधुना सह आम्रजम्बूकषायं वा पिबेन्माक्षिकसंयुतम् छर्दि सर्वां प्रणुदति तृष्णाञ्चैवापकर्षति त्रिफला भ्रममूर्च्छा हृत्पीता सा मधुनापि वा पञ्चगव्यं हितं पानादपस्मारग्रहादिनुत् कूष्माण्डकरसो वाज्यं सयष्टिकं तदर्थकृत् ब्राह्मीरसवचा कुष्ठ शङ्खपुष्पीभिरेव च पुराणं सेव्यमुन्माद ग्रहापस्मारनुद्घृतम् अश्वगन्धाकषाये च कल्के क्षीरे च दुर्गुणे घृतपक्वं तु बातघ्नं वृष्यं मांसाय पुत्रकृत् नीलीमुण्डीरिकाचूर्णं मधुसर्पिः समन्वितम् छिन्नाक्वाथं पिबन्हन्ति बातरक्तं सुदुस्तरम् सगुडाः पञ्चपथ्याश्च कुष्ठवातार्षसाधनाः गुडूचीस्वरसं कल्कं चूर्णं वा क्वाथमेव वा बातरक्तान्तकं काला गुडूची क्वाथकल्कतः घृतं श्रितं सदुग्धं स्यात् कुष्ठव्रणादिनाशनम् त्रिफला गुग्गुलुर्बात रक्तमूर्च्छापहारकः ऊरुस्तम्भविनाशाय गोमूत्रेण च गुग्गुलुः शुण्ठी गोक्षुरकक्वाथः
సామబాతార్తిశూలనుత్ దశమూలామృతైరండరాష్ణానాగరదారుభిః క్వాథోహంతి మహాశోథం మరీచగుడసంయుతః కాసఘ్నో మోదకః ప్రోక్తస్తృణారోచకనాశనః కంటకారిగుడూచీభ్యాం పృథక్ త్రింశత్ఫలేరసే ప్రస్థసిద్ధం ఘృతం చైవ కాశనుద్ధృతి దీపనః కృష్ణాధాత్రీ సీతాశుంఠీ మరిచ సైంధవాన్వితః క్వాథ ఏరండతైలేన సామం హంత్యనిలం గురుం బలాపునర్నవైరండ బృహతీద్వయగోక్షురైః సహింగులవణం పీతం బాతశూలబిమర్దనం త్రిఫలానింబయష్టీక కటుకారగ్వధైః శ్రితం పాయయేం మధునా మిశ్రం దాహశూలోపశాంతయే త్రిఫలాపహసయష్టీకం పరిణామార్తినాశనం గోమూత్రశుద్ధమండూరం త్రిఫలాచూర్ణసంయుతం బిలిహన్ మధుసర్పిభ్యాం శూలం హంతి త్రిదోషజం త్రివృత్కృష్ణాహరీతక్యో ద్విచతుః పంచభాగికాః గుటికా గుడతుల్యాస్తా బిడ్బిబంధగదాపహాః హరీతకీయవక్షార పిప్పలీ త్రివృతస్తథా ఘృతైశ్చూర్ణమిదం పేయ ముదావర్త వినాశనం త్రిభిర్ధరీతకీ శ్యామాః స్నుహీ క్షీరేణ భావితాః బటికా మూత్రపీతాస్తాః శ్రేష్టాశ్చానాః భేదికాః త్రిూషణా త్రిఫలా ధన్యా విడంగ చవ్యచిత్రగై కల్కీకృతైర్ఘృతం సిద్ధం సంస్కారం బాత గుల్మనుత్ మూలం నాగరనానీతం సక్షీరం హృదయార్తినుత్ సౌవర్చలం తదర్ధంతు శివానాంచ ఘృతం పివేత్ కణాపాషాణభేదైర్బా శిలాజతుకచూర్ణకం తండులాద్భిర్గుడేనాపి మూత్రకృచ్ఛ్రీతి జీవతి అమృతానాగరీ ధాత్రీ బాజిగంధాత్రి కంటకాన్ ప్రపివేద్బాదరోగార్తః సశూలీ మూత్రకృచ్ఛ్రవాన్ సీతాతుల్యో యవక్షారః సర్వకృచ్ఛ్రనివారణః నిదిగ్ధికారసోపి సక్షౌద్రః కృచ్ఛ్రనాశనః లవణం త్రిఫలాకల్కైర్మూత్రాఘాతహరం స్మృతం మూత్రే విరుద్ధే కర్చూరచూర్ణం లింగే ప్రవేశయేత్ క్వాథశ్చ శిగ్రుమూలోత్థః కవోష్ణా ఉష్మపాతనః సర్వమేహహరో ధాత్ర్యా రసః క్షౌద్రనిషాయుతః త్రిఫలాదారు దార్వ్యబ్జ క్వాథః క్షౌద్రేణ మేహః అస్వప్నం చ వ్యవాయం చ వ్యాయామం చింతనాని చ స్థౌల్యమిచ్ఛన్ పరిత్యక్తుం క్రమేణాతి ప్రవర్ధయేత్ యవశ్యామాగభోజీ స్యాత్ స్థూలో మధురబారిపః ఉష్ణమన్నం సమండం వా పివన్ కృషతనుర్భవేత్ సచవ్యజీరకం వ్యోష హింగు సౌవర్చలామలాః మధునాశక్తవః పీతా మేదోఘ్నాః సర్వదీపనాః చతుర్గుణే జలే మూత్రే ద్విగుణే చిత్రకోత్పలే కల్కైః సిద్ధం ఘృతప్రస్థం సక్షీరం జఠరీ పివేత్ క్రమవృద్ధ్యా దశాహాని దశ పైప్పలిగం దినం
वर्धयेत् पयसा सार्धं तथैवापनयेत् पुनः क्षीरयष्टिकभोजी स्यादेवं कृष्णासहस्रकं बृङ्घणम् उद्गमायुष्यं प्लीहोदरविनाशनम् पुनर्नवाक्वाथकल्कैः सिद्धं शोथहरं घृतं गवां मूत्रेण संसेव्यं पिप्पलीं वापयोन्विताम् गुडेन बाभयां तुल्यां विश्वं वा शोथरोगिणा तैलमेरण्डजं पीत्वा बलासिद्धं पयोन्वितम् आद्मानशूलापचिता मन्त्रवृद्धिं जयेन्नरः भ्रष्टैरण्डकतैलेन कल्कः पथ्या समुद्भवः कृष्णासैन्धवसंयुक्तो वृद्धिरोगहरः परः निर्गुण्डीमूलनस्येन गण्डमाला विनश्यति स्नुही गण्डीरिका स्वेदो नाशयेदर्बुदानि च हस्तिकर्णपलाशस्य गलगण्डं तु लेपतः दुस्तूरैरण्डनिर्गुण्डी वर्षाभूषिगृशर्षपैः प्रलेपः श्लीपदं हन्ति चिरोत्थमतिदारुणं शोभाञ्जनकसिन्धूत्थो हिङ्गु बिद्रधिनाशनम् शरपुङ्खा मधुयुता स्यात् सर्वव्रणरोपणी निम्बपत्रस्य वा लेपः स भवेद् व्रणशोषणः त्रिफलाखदिरोदार्वीं न्यग्रोधो व्रणशोधनः सद्यः क्षतं व्रणं वैद्यः सशूलं परिषेचयेत् यष्टिमधुकयुक्तेन किञ्चिदुष्णेन सर्पिषा बुद्ध्यागन्तुव्रणान् वैद्यो नाशयेत् सम्प्रलेपनात् शीतां क्रियां प्रयुञ्जीत पित्तरक्तोष्मनाशिनीं क्वाथो वंशत्वगेरण्डाश्वदंष्ट्रावनिदाकृतः स हिङ्गुसैन्धवः पीतः कोष्ठस्थं श्रावयेदश्रिक् यवकोलकुलत्थानां निःस्नेहेनारसेन वा भुञ्जीतान्नं यवाग्वावा पिबेत्सैन्धवसंयुतम् करञ्जारिष्टनिर्गुण्डीरसोऽहन्याद्व्रणकृमीन् त्रिफलाचूर्णसंयुक्तो गुग्गुलुर्बटकीकृतः निर्यन्त्रणो विबन्धघ्नो व्रणशोषणशोधनः दूर्वास्वरससिद्धं वा तैलं कम्पिल्लकेन वा दार्वी त्वचश्च कल्केन प्रधानं व्रणरोपणम् इति श्रीगारुडे महापुराणे पूर्वखण्डे प्रथमांशाख्ये आचारकाण्डे ज्वरादिचिकित्सानिरूपणं नाम सप्तत्युत्तरशततमोऽध्यायः। अब 170वें अध्याय में ज्वरादि चिकित्सा का वर्णन करते हैं। धन्वंतरी ने कहा ज्वर 8 प्रकार के कहे गए हैं, जैसे कि बातिक, श्लैष्मिक, पैत्तिक, बातपैत्तिक, बातश्लैष्मिक, पित्तश्लैष्मिक, सान्निपातिक तथा आगंतुक। मौथा, पित्तपापड़ा, बेना की जड़, लाल चंदन, बाला तथा शुंठी को पानी में पकाए। ठंडा होने पर ज्वरार्त व्यक्ति को पिपासा शांत करने हेतु पिलाए, इससे ज्वर जनित प्यास की शांति होगी। शुंठी, देवदारू, धनिया, बृहती, कंटकारी इन सबको जल में पकाकर जब ठंडा हो जाए तब उसे पान करे तो ज्वर जनित प्यास शांत होगी। आरगवध, हर्रें, मौथा, इंद्रजौ, पीपली मूल का काढ़ा पीने से
नए ज्वर वाला मनुष्य शरीर पीड़ा से मुक्त होगा तथा ज्वर नाश के साथ रसों का पाक होगा। मुलैठी, सैंधव, पिप्पली को संभाग में पीसे, उसे जल में मिलाकर सूंघनी के तौर पर सूंघे। इससे ज्वर रोगी भले अचेतन हो गया हो तो भी वह प्रबोधित हो जाता है। त्रिवृत, गोरक्ष, कर्कटी, त्रिफला, कटुकी, आरगवध, इन सब द्रव्य का काढ़ा बनाकर यवक्षार के साथ पीने से सभी प्रकार के ज्वर की शांति हो जाती है। शुंठी, गुरुच, मोथा, रक्तचंदन, बेणा की जड़, धनिया का काढ़ा बनाकर मधु तथा शर्करा के साथ पीने से तृतीयक ज्वर नाश हो जाता है। रविवार को अपामार्ग की जड़ ले आए, सात रक्त सूत्र द्वारा कटी में बांधने से त्रयाहिक ज्वर नष्ट हो जाता है। गंगा के उत्तर तट पर अपुत्र तामस मृत हो गया था, उसको तिलांजलि प्रदान करें, इससे एकाहिक ज्वर का नाश हो जाता है। गुरुच, त्रिफला, बासक, द्राक्षा, बेडेला, इनमें से प्रत्येक का क्वाथ तथा कल्क से घृत अथवा तैल का पाक करें, इसका सेवन करने से ज्वर का नाश होता है। आमलकी, हरीतकी, पिप्पली, चीता का काढ़ा पिए, सभी ज्वर का नाश होगा। इसके पश्चात ज्वर अतिसार नाशक औषधि भी कहता हूँ। प्रश्निपर्णी, बेडेला, बिल्व, शुंठी, उत्पल, धनिया, आकनादि, इंद्रजव, चिरायता, मोथा, पित्त पापड़ा, इन सब का क्वाथ बनाकर उसे शुंठी चूर्ण के साथ पान करें, ज्वर तथा आमातिसार नष्ट हो जाता है। मोथा, पित्त पापड़ा, हरीतकी, अदरक, शालपाणी, प्रश्निपर्णी, बृहती, कंटकारी, बेडेला, गोखरू, बिल्वादिगण, आकनादि, शुंठी, धनिया, इनका सेवन करने वाले को सभी अतिसार में अधिक लाभ होगा। बेल तथा आम के बीज का काढ़ा मधु तथा चीनी के साथ पीने से अतिसार निवृत्त हो जाता है। कुटज की छाल को पिप्पली के साथ सेवन करने से अतिसार समाप्त हो जाता है। इंद्रजव, अतीस, बेल, पिप्पली मूल का काढ़ा पिए, इससे आम पीड़ा वाला रक्तातिसार भी ठीक हो जाएगा। अब ग्रहणी चिकित्सा कहते हैं, यह पेट की अग्नि का नाशक रोग है। चिता का काढ़ा तथा कल्क को घृतपाक करके उसका सेवन करें, इससे ग्रहणी, गुल्म, शोथ, उदरी, प्लीहा, शूल तथा अर्श नाश होता है, साथ ही उदराग्नि भी बढ़ती है। सौवर्चल, सैंधव तथा बिट लवण, उद्भिज तथा समुद्र का नमक, इन पांचों लवणों को पूर्वोक्त घृत में मिलाए, जो चीता माने चित्रक के कल्क के साथ पाक करके बनेगा, औषधि, अस्त्र, क्षार तथा अग्नि प्रक्रिया अर्शनाश करती है। गुरुच, पिप्पली, हर्रे, इनको घी में भूंजकर खाए। किंबा अर्शनाशार्थ त्रिवृत तथा आमरुल खाने से भी यह रोग नष्ट होगा। तिल तथा गन्ने का रस मिलाकर खाए, इससे अर्श तथा कुष्ठ का नाश होता है। पिप्पली, पिप्पली मूल, च्यव, चित्रक तथा शुंठी का सेवन मरीच एवं त्रिकटु के साथ करें तो अग्नि वृद्धि होगी तथा शुंठी, गुड़ तथा सैंधा नमक के साथ हरीतकी खाए, इससे भी उदराग्नि बढ़ती है। त्रिफला, गुरुच, बासक, इंद्रजौ, चिरायता, नीम का काढ़ा बनाकर मधु के साथ पान करें, यह कामला तथा पांडुरोग नाशक है। त्रिवृत, त्रिफला, प्रियंगु, चीनी, मधु मिलाकर लड्डू बनाए, यह सन्निपात का नाशक है। यह रक्तपित्त तथा ज्वर हरण करने वाला है।
बासक अपनी उपस्थिति से जीवित रहने की आशा रूप है, जो रक्त पित्त हरण करने वाला है। इसके रहते क्षय रोगी, रक्त पित्त रोगी, कासग्रस्त रोगी क्यों प्राण भय से अवसन्न हो रहे हैं? अर्थात नहीं होना चाहिए। बहेड़ा, द्राक्षा तथा हरी तकी का काढ़ा बनाकर चीनी तथा शहद के साथ पान करने से श्वास तथा रक्तपित्त रोग का नाश हो जाता है। बासक के रस में शर्करा तथा मधु मिलाकर पीने से रक्तपित्त का नाश होता है। बावला, बदरी, जामुन, प्रियाल, अर्जुन, बट का क्षीर मधु के साथ पान करें, इससे रक्त दोष निवृत्त होगा। निसिंदा की जड़, फल तथा पत्र का स्वरस घृत में पाक करके पान करें। क्षय रोग से क्षीण हो गया व्यक्ति इस व्याधि से रहित होकर देववत हो जाता है। हरीतकी, पिप्पली, शुंठी, मरीच और गुड़ का लड्डू बनाए। इससे इस मोदक के खाने से काश, तृष्णा तथा अरुचि का नाश होता है। पहले 30 पल कंटकारी के रस के साथ एक प्रस्थ घृत पकाए। तदनंतर इसी घृत को 30 पल गुरुच के रस के साथ पाक करें। इस घृत पान से काश रोग समाप्त होता है। यह घृत अग्नि उद्दीपक भी है। द्राक्षा, आमलकी, चीनी, शुंठी को मधु के साथ मिलाकर पान करने से हिक्का रोग शांत होगा। श्वास तथा हिचकी पीड़ित लोग ब्रह्मयष्ठी, बामनहारी तथा शुंठी को गर्म जल के साथ पिएं। स्वर भेद के रोगी तैलाक्त खदिर को मुख में रखें, अथवा हरीतकी एवं पिप्पली अथवा हरीतकी एवं शुंठी खाएं। बाय बिडंग, त्रिफला और शुंठी को चूर्ण करके मधु के साथ खाने से बमन रोग समाप्त हो जाएगा। बमन का रोगी आम तथा जामुन का काढ़ा मधु के साथ पिए। यह सभी प्रकार के बमन तथा गला सूखने और तृष्णा को समाप्त कर देता है। त्रिफला का काढ़ा मधु के साथ पिए, भ्रम तथा मूर्छा समाप्त होते हैं। पंचगव्य पीने से अपस्मार प्रभृति रोगों की समाप्ति होती है। कोहड़े का रस, घृत तथा मुलेटी का भक्षण करने से मूर्छा रोग का नाश हो जाता है। ब्राह्मी रस, बच, मूठ, शंख पुष्पी के साथ पुराना घी जो सेवन करता है, उसका ग्रह दोष अपस्मार रोग शांत हो जाता है। अश्वगंधा का क्वाथ तथा कल्क लेकर उससे चौगुना दूध लेकर उसके साथ घृत पाक करे। यह घृत सेवन करने से बात रोग का नाश होगा। बल, मांस तथा पुत्रोत्पादन की शक्ति की वृद्धि होगी। नील वृक्ष तथा मुंडीरी का लता का चूर्ण घृत मधु के साथ खाए अथवा गुरुच का काढ़ा पिए, इससे भयानक बात रोग नष्ट होगा। गुरुच का स्वरस, कल्क, चूर्ण अथवा क्वाथ का सेवन करे तो यह रोग नष्ट होगा। गुड़ के साथ 5 हरीतकी खाए, कुष्ठ, बात तथा अर्श रोग नष्ट होगा। कृष्ण तेवड़ी तथा गुरुच के क्वाथ तथा कल्क के साथ घृत पकाए, कुष्ठ का नाश होगा। इस घृत के पाक के साथ इसमें दूध मिलाए। त्रिफला तथा गुगुलू के सेवन से बातरक्त, मूर्छा आदि रोग ठीक हो जाते हैं। गोमूत्र के साथ गुगुलू खाए, ऊरुस्तंभ नाम का रोग ठीक होगा। शुंठी तथा गोखुरु का काढ़ा पीने से आमबात तथा शूल रोग समाप्त होता है। दशमूल, गुरुच, रैंड, राशना, शुंठी, दारू हल्दी का काढ़ा बनाकर मरीच तथा गुड़ के साथ पिए, इससे महाशोथ भी समाप्त होगा। इन्हीं का मोदक बनाकर खाए, काश, तृष्णा तथा अरुचि का नाश होगा। कंटकारी का रस 30 पल, गुरुच का रस 30 पल अलग अलग पकाए। पकाने के बाद
इनमें एक प्रस्थ घृत छोड़कर एक साथ पाक करे, इससे काश रोग नष्ट होगा, मल प्रयुक्त होगा। द्राक्षा, आमल की शुंठी, शर्करा, मरीच, सेंधा लवण का क्वाथ एरंड के तेल के साथ करे। आम दोष तथा प्रबल वायु रोग नाशक योग है। बेडेला, पुनर्नवा, एरंड, बृहति, कंटकारी, गोक्षुर का क्वाथ हींग तथा लवण के साथ पान करे, यह बातशूल नाशक है। त्रिफला, नीम, मुलेठी, कटुकी तथा आरगवध का क्वाथ मधु के साथ ग्रहण करे, दाहशूल नष्ट होगा। त्रिफला का काढ़ा मुलेठी के साथ पीने से परिणामशूल नष्ट होगा। गोमूत्र से शुद्ध किया हुआ मंडूर तथा त्रिफला चूर्ण घृत के साथ चाटे, त्रिदोष जनित शूल ठीक होगा। तिंतिड़ी त्रिवृत दो भाग, द्राक्षा चार भाग, हरितकी पांच भाग को मिलाकर उतना ही गुड़ लेकर बटी बनाए, इसके सेवन से कठिन मल रोग निवृत्त होगा। हरितकी, यवक्षार, पिप्पली, त्रिवृत का चूर्ण करके घी के साथ पिए, उदावर्त रोग नष्ट होगा। त्रिवृत, हरितकी, प्रियंगु को स्नुही वृक्ष के दुग्ध से भावना देकर बटी बनाए, इसे गोमूत्र से लेना चाहिए, आनाह रोग नाश होगा। त्रिकटु, त्रिफला, धनिया, च्यब्य, चित्रक का कल्क बनाकर घृत पाक करे, इससे बात गुल्म का नाश होगा। शुंठी चूर्ण दूध के साथ पिए, हृदय पीड़ा शांत होगी। पिप्पली, पाषाण भेद तथा शिलाजीत का चूर्ण करके चावल की मांड तथा गुड़ के साथ पान करे, मूत्र कृच्छ शांत होगा। गुरुच, शुंठी, आमलकी, अश्वगंधा, गोखरु का काढ़ा बनाकर पान करे, धातु रोग, शूल, मूत्र कृच्छ नष्ट होगा। चीनी तथा यवक्षार समान लेकर खाए, सभी मूत्र कृच्छ नष्ट होगा। कंटकारी का रस मधुयुक्त पान करे तो इस दोष की शांति होगी। त्रिफला को अच्छी तरह पीसे, नमक के साथ खाए, मूत्राघात ठीक होगा। मूत्रबद्ध होने पर लिंग में कपूर का चूर्ण प्रविष्ट कराए, इस दोष में शांति लाभ होगा। तनिक गर्म सहजन की जड़ का बना हुआ काढ़ा पिए, शारीरिक ऊष्मा निवारण होगा। त्रिफला, देवदारु, दारू हल्दी, कमल मूल का काढ़ा मधु के साथ पान करे, महारोग शांत होंगे। जो स्थूल देह चाहते हैं वे अनिद्रा, व्यायाम, व्यवाय तथा चिंता को त्यागें, क्रमशः स्थूलता आएगी। जौ तथा श्यामक भोजन द्वारा व्यक्ति स्थूल होगा तथा मधु के साथ जल पीने से भी शरीर स्थूल होगा। गर्म मांड समस्त उष्ण अन्न भोजन मानव को कृश बनाता है। चब्य, जीरा, त्रिकटु, हींग, सौवर्चल, लवण मेदो रोग नाशक हैं। मधुयुक्त सत्तू भक्षण से भी मेद रोग समाप्त होता है तथा अग्नि को उद्दीपित करता है। एक प्रस्थ घृत, जल चार प्रस्थ, गोमूत्र दो प्रस्थ तथा दूध का पाक करे। पाक काल में उसमें चित्रक तथा उत्पल का कल्क छोड़े। उदर रोगी यह घी सेवन करे तो उपकार होगा। पहले दिन एक पिप्पली दूध से खाए, तदनंतर एक एक पिप्पली हर रोज बढ़ाता जाए। दसवें दिन तक इस प्रकार 10 पिप्पली खाए, तदनंतर नित्य एक घटाए। अंतिम दिन मात्र एक पिप्पली खाए। इस औषधि को लेते समय दूध के साथ मुलेठी का भी सेवन करना होगा। इस 10 दिन में मूंग का यूष भी खाए, इससे शरीर बली होगा, आयु बढ़ेगी तथा उदर का रोग नष्ट हो जाएगा। इससे
प्लीहा रोग भी नष्ट होगा। पुनर्नवा का काढ़ा कल्क घृत के साथ पाक करके सेवन करें, सूजन नष्ट होगी। गोमूत्र के साथ पिप्पली अथवा दुग्ध युक्त पिप्पली का सेवन करें, उतनी ही पिप्पली जितना गुड़, तथा हरी तकी खाए अथवा गुड़ शुंठी पिप्पली दुग्ध के साथ खाए तो ये शोथ नाशक योग है। रेड के तेल को पीकर बेडाला के साथ पका हुआ दूध पिए, उधराद्मान, शूल, अपाक, अंतर्वृद्धि आदि रोग नष्ट होते हैं। मर्जित एरंड तेल, हरी तकी का कल्क और द्राक्षा को सैंधव नमक के साथ पकाकर खाए तो वृद्धि रोग नष्ट होगा। निसिंदा की जड़ का नस्य लेने से गंडमाला रोग नष्ट होगा। स्नुही तथा गंडीरिका के सेवन से अर्बुद नष्ट होगा। हस्तिकर्ण तथा पलाश का लेप करने से गलगंड नष्ट होगा। धतूरा का बीज, रेंड, निसिंदा, पुनर्नवा, सरसों को पीसकर लेप करें, दीर्घकालीन हाथी पांव रोग नष्ट होगा। सैंजन, सैंधा लवण तथा हींग, यह विद्रधि रोग नष्ट करता है। सर्पों का को मधु में मिलाकर लेपन करने से व्रण रोपण होगा। नीम का पत्ता पीसकर व्रण पर लेप करें तो व्रण सूख जाएगा। त्रिफला, खैर, दारू हल्दी तथा बट को पीसकर व्रण पर लगाए, यह व्रण शोधन करता है। सद्यः उत्पन्न व्रण पर यह औषधि लगाने से तत्काल वेदना का शमन होता है। क्षतस्थान भी शुद्ध होगा। मुलेठी तथा घी को तनिक गर्म करके मधु के साथ व्रण पर लगाए, इससे आगंतुक व्रण का नाश होगा। शीत क्रिया से पित्तरक्त दोष से उत्पन्न शारीर ऊष्मा नष्ट होगी। बांस की छाल, रेंड, गोखरू का काढ़ा, मधु, सेंधा नमक तथा हींग के साथ पान करें, कोष्ठस्थ दुष्ट रक्त भी निकल जाएगा। यव, बदरी, कुलथी के रस के साथ सेंधा नमक युक्त यवागु अथवा अन्न खाए, इससे भी पूर्वोक्त रोग शांत होगा। कटकरंज, नीम तथा निसिंदा का रस व्रण के कृमि को नष्ट करेगा। त्रिफलाचूर्ण गुग्गुलू युक्त करके बटी बनाए, यह बटी विबंध नाशक है तथा व्रण शोधक है, इससे यंत्रणा नहीं होती। दूर्वा का रस कंपिल तथा दारू हल्दी के साथ तेल में पकाए, तब इसे व्रण पर लेप करे तब व्रण का नाश हो जाएगा, व्रण नष्ट होगा। 170वां अध्याय समाप्त।